गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग अभी हैं चोपटा में, स्टॉप ऑफ कैफ़े एंड स्टेज में। तो अभी हम लोग जाएंगे देवरिया ताल ट्रैक करने के लिए। तो सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे फिर ट्रैक करने के लिए। मौसम आज कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा चोपटा में तो कुछ इस तरह का मौसम है। अभी सुबह हल्की हल्की धूप भी आ रही थी, लेकिन अभी फिर से एकदम मौसम जो है पैक होना शुरू हो गया है। तो विशाल भाई भी हमारे साथ जाएंगे ट्रैक पे, तो रेडी हो रहे हैं। एकदम टाइट बांध लो भाई, एकदम बहुत तेज भागना पड़ेगा हमें ट्रैक पे। मुड़ते हुए चले जाएंगे। तो उड़ते हुए जाओगे। तो गाइस अभी निकल चुके हैं रूम से, पहले जाएंगे कैफे और कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर देवरिया ताल के लिए 4 किलोमीटर का यहाँ से पहले गाड़ी से जाएंगे सारी गांव तक, और वहाँ से फिर देवरिया ताल के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मौसम जो है सुबह तो हल्का साफ दिख रहा था, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे पैक होता हुआ चैनल दिख को रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं गाइस। तो कैफे पहुंच चुके हैं अभी और एकदम शांत माहौल है कैफे में भी। कि अंदर यहाँ पे छेत्री यस हाय, हेलो क्या बन रहा है अभय, भाई? क्या बना ये छेत्री? बन रहे आज हमारे मटर मशरूम। तो गाइस खाना आ चुका है अब हम लोगों का, और आज बना है मटर मशरूम चावल। तो खा के देखते हैं कैसा बना है। ठीक है गाइस, तो खाना हो गया अब हम लोगों का और अब चलेंगे देवरिया ताल की तरफ। तो विशाल भाई, मैं और विशाल भाई जा रहे हैं। छेत्री मना कर रहा है जाने को, बहुत पूछ लिया लेकिन मान नहीं रहा है जाने को। चलना है अभी भी, बता दे एक बार, लास्ट मौका है तेरे पास। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ मैं भाई। नहीं जाएगा। चलो ठीक है, ओके गाइस। हम बैठ चुके हैं। चलो गाइस, तो अभी सारी गांव के लिए निकल गए। बाय लियो ले लिया है यहाँ से, और यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सारी गांव से जो है फिर आगे देवरिया ताल के लिए ट्रैक जो है स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए दिखाते हैं आपको सारी गांव, और सारी गांव से ऊपर का जो भी व्यू रहेगा। बहुत ही सुंदर वादियां हैं, मौसम एकदम खिलखिला उठा है और अच्छी धूप जो है लगी है, और हम चाहते हैं कि पूरे रास्ते में ऐसी धूप लगी रहे हैं सारी गांव में। और यहां पे काफ़ी सारे आपको स्टे के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे होम स्टे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है देवरिया ताल का भाई। यहाँ से और ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। तो यहाँ पे टिकट भी जो है, जैसे हम लेक के पास पहुँचेंगे तो एंट्री टिकट भी लगेगा हम लोगों का। और व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। हाँ हाँ भाई, पूरा ऐसा ही रोड है, यो गाइस डरने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से चलते रहो। व्यू का नज़ारे लो इधर से, इतना बढ़िया व्यू आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में जो ये हल्की हल्की धूप है ना,
असली मजे तो ये जो है ट्रैक के पूरे करवा रही है। तो व्यू यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको स्नो व्यू दिखेगा, सामने चंद्रशिला तुंगनाथ का। गाइज ये है सारी गांव और बहुत ही प्यारा व्यू है सारी गांव का भी। तो कभी आए तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं सारी गांव में भी, और तुंगनाथ चंद्रशिला और पीछे इस रिज के पीछे जो ये विदाउट स्नो जो रिज दिखाई दे रहा है इसके बिल्कुल पीछे जो है रोहिणी बुग्याल है। तो वहाँ के लिए भी लगभग 5 to 6 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो हम लोगों के जहाँ पे हम लोगों का होम स्टे है वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं ताला गांव से बेसिकली। तो इस तरह का व्यू है, काफ़ी सारे होम स्टे कैंप्स आपको यहाँ पे सारी गांव में देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं आगे का सफ़र दिखाते हैं अभी। तो ऐसी एक शिव जी का मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रास्ते में सारी गांव के। तो यहाँ पे वो उसका तो नहीं है हैंडपंप वाला, गंगा का खाक वहाँ गंगा कहाँ आती है वहाँ, हैंडपंप वाला ले आए हैं ये। हाँ ये यहाँ का पानी पीने, मैं जूस पिलाऊंगा तुझे, चाहे पैसे मत दे लेकिन पिलाऊंगा पक्का, इसको थकावट दूर करो। और क्या मेरे लिए एक चाय दादाजी, किस चीज का जूस पिलाओगे, किस चीज का जूस पिलाओगे, बुरास है लीकी है हम। तो यूँ ये पूरा जो है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है और इसमें बहुत सारे जो हैं पेड़ आपको देखने को मिलेंगे ब्रांस के जो हैं, और अभी जो है इनमें कुछ कुछ में जो है फूल भी खिलना शुरू हो गए, देख सकते हैं आप लोग रेड कलर का ये जो फूल है। काफ़ी सुंदर रास्ता है, आनंदमय, बहुत मजा आ रहा है चढ़ाई चढ़ते हुए। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं देवरिया ताल लेक पे और लगभग 100 मीटर और रह गया लेक यहाँ से। तो कैसा रहा विशाल भाई ट्रैक आपका यहाँ तक का? एक नंबर। कितने मजे किए आपने? बहुत मजे करे, और यहाँ पे स्नो दिखाई दे रही है नीचे। हाँ थोड़ी थोड़ी स्नो जो है बीच बीच में देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो पहुंच चुके हैं, दिखाते हैं आपको लेक का व्यू। गाइस थोड़ी थोड़ी बर्फ जो है अभी यहाँ पे बची हुई, काफी स्नोफॉल था लेकिन 2-3 दिन मौसम ठीक रहा उसकी वजह से, धूप आने की वजह से मौसम बर्फ एकदम पिघल गई। तो बहुत ही प्यारा व्यू है एकदम। ऐसी है लेक का पूरा व्यू। पीछे बादल होने की वजह से कोई भी माउंटेन पीक अभी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ लेक का और एकदम शांति। तो अभी पहुंच चुके हैं देवरिया ताल व्यू पॉइंट पे। तो पहले विशाल भाई चढ़ेंगे ऊपर व्यू पॉइंट पे, एकदम बहुत बढ़िया व्यू यहां से दिखता है पूरी हिमालयन रेंज, लेकिन आज बादल होने की वजह से नहीं है, देख नहीं पाएंगे। और इधर लेक भी देख सकते हैं यहां से, तो बहुत ही प्यारा व्यू है। गाइस बहुत ही बढ़िया ट्रैक रहा हम लोगों का देवरिया ताल का, मौसम भी पूरा साथ दिया मौसम ने भी हम लोगों का, और धूप बहुत ही बढ़िया प्यारी खिली हुई है।
तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने ट्रैक में, अभी आगे और मज़े करेंगे। चलो दिखाते हैं आपको, जा रहे हैं या फिर माउंटेन में नहीं भी जा रहे हैं तो फिर भी जो भी आप अपने साथ प्लास्टिक कैरी कर रहे हैं या पानी की बोतल ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उसके जो भी रैपर हैं वो या तो आप अपने साथ वापस जहाँ से आपने ट्रैक स्टार्ट किया है वहाँ पे लेके जाएं, किसी डस्टबिन में उनको डाल दें, या फिर जहाँ भी रास्ते में आपको डस्टबिन मिलते हैं किसी शॉपकीपर के पास तो वहाँ पे आप उनको जो है में जो है प्रॉपर तरीके से उसको डिकम्पोज कर दें, ताकि क्योंकि होता क्या है कि पहाड़ों में लोग आते हैं और खाते हैं पीते हैं और मन किया वहीं पर फेंक दिया। तो जब किसी भी जगह पे जाओगे उस जगह का मज़ा तभी है जब वो साफ सुथरी होगी और देखने में भी तभी अच्छी लगेगी, क्योंकि आपका घर भी जो है अगर आप घर में भी अपना कोई सामान इधर फेंक के रखेंगे, कोई इधर फेंक के रखेंगे, कुछ खाया उसका रैपर इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया तो घर भी जो है आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से ये कहीं भी पहाड़ों पर जा रहे हैं तो वो भी आप लोगों का ही घर है, अगर आप लोग आज इसको बचा के रखेंगे तो ही आने वाले कल में आने वाली जो हम लोगों की पीढ़ी है वो लोग भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। व्यू देखिए गाइस, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे इस जगह को छोड़ के, पर लेकिन यहाँ पे जो है रहने की भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग जल्दी से जो है अभी कुछ खाएंगे पिएंगे और वापस नीचे की तरफ चलेंगे। और सामने ही यहाँ पे एक जो है फॉरेस्ट की चौकी भी है, तो यहाँ पे जो है ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, तो कभी भी अगर आप यहाँ आएंगे तो इसकी जो है आपको एंट्री पे करना पड़ता है इस एरिया में आने के लिए। तो अडल्ट के लिए जो है 150 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पे पर पर्सन, और स्टूडेंट हैं तो उसका 75 रुपीज़ है। अभी चल दिए हैं वापस ताला की तरफ और ये एक शॉर्टकट लिया है, बहुत उतराई है। इसी में तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा है रास्ते का, बहुत फास्ट हम लोग नीचे उतर गए हैं। थोड़ा सा रास्ता बचा है आधे किलोमीटर के लगभग और फिर हम वापस सारी गांव पहुंच जाएंगे। तो गाइस अभी वापस जा रहे हैं हम लोग और शाम के 4 बज रहे हैं, तो जल्दी गए और जल्दी वापस भी, आगे ज़्यादा देर हम लोग वहाँ पे रुके नहीं क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि तभी जो है आगे की जो भी नए नए ट्रैक्स पे हम लोग जाएंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर वीडियोज़ में कोई कमी है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।